हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे आईओटी के एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो आईओटी के एप्लीकेशन हर जगह हैं, जहां आप सोच सकते हो वहां हर जगह है, क्योंकि आईओटी ऐसी चीज़ है जो आपके सिस्टम को एफिशिएंट बना रहा है और इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। और इसको क्लाउड बहुत से अमेजोन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM व्हाट्सएप सब ने इसको इतना वो ऊपर चढ़ा दिया है कि अभी इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके वो एप्लीकेशन बहुत सारी जगह हैं। एक है IOsL, इंटरनेट ऑफ स्मार्ट लिविंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ स्मार्ट लिविंग क्या है? हम हर चीज़ को रिमोट से कनेक्ट कर देंगे। रिमोट से मींस कि हमारे पास एक रिमोट होगा, उससे हम एसी चलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक रिमोट होगा हमारे पास, उससे हम कूलर को ऑन ऑफ़ करेंगे। एक रिमोट होगा जिससे हम लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे सो डैट, और हर चीज़ को एक IP साइन कर देंगे सो डैट इन फ्यूचर अगर हम घर के बाहर है तो हम उस चीज़ को फिर भी कंट्रोल कर पाएँ। इस चीज़ को घर तक लिमिटेड मत रखिए, हम घर के बाहर जा रहे हैं सब कुछ, हम जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल गए और हमें याद आया हमारा गेट खुला रह गया कमरे का, हमारे रूम का, तो उसको हम क्या करें, हमने एक बटन दबाया अपने मोबाइल में ऐप में और उससे वो हमारा गेट लॉक हो गया। ठीक है, गैस ऑन रह गई, गैस ऑफ हो गई, समझ रहे हैं? हर चीज़ को हम क्या करें, कंट्रोल। और जैसे आपकी गैस ऑन रह गई, ठीक है, तो आपके एक्टुएटर्स हैं, एक्टुएटर्स क्या करेगा, मूविंग पार्ट है वो, आपने अपनी एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक किया, एक्टुएटर गोल घूम गया, बंद हो गया आपका वो। तो ये सब चीज़ें, ये क्या इंटरनेट और स्मार्ट लिविंग्स। फिर आता है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटी क्या होता है, आपका हर चीज़ जैसे रियल टाइम आपकी पार्किंग को हम मॉनिटर कर पाएँ कि किस जगह कितनी पार्किंग खाली है। ठीक है, आपके ट्रांसपोर्टेशन में हम देख पाएँ, आपके स्मार्ट रोड हों कि आपके किस रोड पर कितना ट्रैफिक है, अभी किस जगह कितना ट्रैफिक है, वार्निंग मैसेजेस आए कि आगे डाइवर्जन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे वो है क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमें आइडिया मिलता है कि अभी इतनी बारिश होने वाली तो आप तैयार रहिए। ठीक है, हर चीज़ हमें यह हो स्मार्ट सिटीज़ में आ जाती है। ठीक है, आपके ब्रिजेस हो गए, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हो गए, इन सब की मटेरियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, आपका भी वाइब्रेशन कितना हो रहा है, भूकंप तो नहीं आएगा, अर्थक्वेक, ये सब किस में आएगा, इंटरनेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़। फिर आता है स्मार्ट एनवायरनमेंट, इसमें आपका एनवायरनमेंट की ओर बात हो रहा है, आप क्या करोगे, एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करोगे, CO2 का एमिशन ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कार से ज़्यादा पोल्यूशन तो एमिट नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, हम एक पूरे एरिया में देखेंगे उस पूरे एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है। सपोज से आपका एक पूरा बड़ा शहर है 50 किलोमीटर स्क्वायर का, उसमें 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बहुत पॉल्यूशन, तो हम वहाँ अलग से काम कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, इंटरनेट ऑफ स्मार्ट एनवायरनमेंट। फिर स्मार्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या होगा, हमारे बहुत सारे हैज़र्डस गैसेस निकलती हैं, तो उसमें गलती से भी कहीं से भी अगर लीकेज हो गई तो वो क्या होगा, हमारे पूरे इंडस्ट्री को उड़ा सकती है। तो अगर वहाँ सेंसर्स लगे होंगे तो सेंसर क्या करेगा, अलार्म बज जाएगी सेंसर से कि अभी उस जगह लीकेज हो गई, तो हम उस जगह जाकर सीधे काम कर सकते हैं, तो ये इसका एक फ़ायदा है। और बहुत सारे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस और रिपेयर में जल्दी आइडिया लग जाएगा कि IOsL, इंटरनेट ऑफ स्मार्ट इंडस्ट्री। फिर स्मार्ट हेल्थ, हम सब वेरिएबल्स पहन लेंगे, लाइक स्मार्ट वॉच पहन लेंगे। ठीक है, स्मार्ट वॉच से हमें हर चीज़ कैलकुलेट रहेगी कि हमने कितनी कैलोरीज बर्न करी है, और हम टाइम तो देख ही सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा हार्ट रेट कैसा है। ठीक है, हमें और हम नोटिफिकेशन लगा सकते हैं कि हमें किस समय कौन सी मेडिसिन खानी है, ये वो। ठीक है, ठीक है, इंटरनेट स्मार्ट है। फिर स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट एनर्जी क्या है कि हम कितनी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो वाइंड टर्बाइंस हैं जगह जगह पे लगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे हम चेक कर सकते हैं किस जगह ज़्यादा एयर है, उधर हम टर्बाइंस लगा सकते हैं, उस वक्त हमारी एनर्जी भी ज़्यादा बन पाए। ठीक है, तो यही है। फिर आता है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है कि आपका ग्रीन हाउस है, लाइक सपोज से हमारा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, तो हमें ये नहीं पता किस जगह का क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह सेंसर्स लगा देंगे, जिससे हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का उस पर्टिकुलर GPS लोकेशन पे कोऑर्डिनेट्स पे हमें पता पड़ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतनी है, तो उस हिसाब से हम अपने जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल में फंगस नहीं लगने देंगे, हम पहले अलर्ट हो जाएंगे यहाँ एरिया में ये दिक्कत है। ठीक है, तो हम उसे सही कर सकते हैं, यही सब है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिजिकल व्यू पे। तो फिजिकल व्यू क्या कहता है आपका, इसमें चिप होगी, पैकेजिंग टेस्टिंग होगी, फैब्रिकेट कर देंगे चिप को, फिर हमने क्या उसको वेरीफाई करेंगे सही चलिए कि नहीं, फिजिकल डिज़ाइन होगा ये। फिर सर्किट डिज़ाइन, फंक्शनल डिज़ाइन, आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस साल हमारा ख़त्म होता है, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छी लग रही है
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शर्माइए मत सब्सक्राइब करने में, अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।